अस्सलाम जनाब, अब वो लोग जो इस वक्त अपने मुल्क में मौजूद हैं या जिन्होंने सऊदी अरब से अपने मुल्क छुट्टी पर जाना है, ये वीडियो उनके लिए है। जी हाँ, इसमें अहम इन्फॉर्मेशन है, आपने इसको मिस नहीं करना। मैं आगे आपको इस पर तफसील बताऊँगी, लेकिन इससे पहले आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि डेली बेसिस पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि नए कवानीन यानी नए सिस्टम के तहत अब जो लोग भी शहरी अपने वीज़ा पर हरूब लगाकर वापस चल जाते हैं जब एक बार, तो उन पर आप जो है वो ताहयात सऊदी अरब पाबंदी लगा देगा वापसी पर, यानी वो फिर दोबारा कभी भी वर्क वीज़ा हासिल नहीं कर सकेंगे। कुछ अफराद वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब आते हैं, फिर उनको काम वाम पसंद नहीं आता तो हरूब लगाकर वापस चले जाते हैं, फिर कुछ अरसे बाद दोबारा वर्क वीज़ा लेकर सऊदी अरब आते हैं। अब सऊदी अरब के नए कानून के मुताबिक एक दफ़ा जब शहरी जाएगा तो वो दोबारा वीज़ा लेके वापस नहीं आ सकता, ये हरूब लगवा कर जाने वालों के लिए है, जबकि उन पर ताहयात पाबंदी लगा दी जाएगी। जबकि वो शहरी जो मुल्क गए हुए हैं और कोरोना की वजह से वापस नहीं आ पा रहे, सफरी पाबंदी की वजह से वापस नहीं आ पा रहे, उनका वीज़ा अगर ख़त्म हो जाता है तो वो अपने कफ़ील या कंपनी से रابطہ कर सकते हैं। जैसे ही उनका कफ़ील या कंपनी तजदीद करेगी, उनको सऊदी अरब आने की परमिशन मिल जाएगी, यानी उनके ऊपर कोई पाबंदी इस तरह की नहीं है। ये थी अपडेट जो मैंने आपको शेयर की। इस तरह की मज़ीद अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती रहेंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।